तो ये अपना AIoT प्रॉब्लम 7 है, इसमें अपन को ऊपर ये इंटीग्रल दे रखा है, नीचे ये इंटीग्रल दे रखा है, और अपन को लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पूछा है क्या होगा। तो तुम्हें पता है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर ये वाली चीज भी 0 होगी और ये वाली चीज भी 0 होगी। 0 टू 0 ये वाले इंटीग्रल की वैल्यू भी 0 है एंड ये वाले इंटीग्रल की वैल्यू भी 0 है, ये 0/0 फॉर्म बन रही है। तो यहाँ पे एल ऑपिटल रूल लगा सकते हैं। अब यहाँ पे ये इंटीग्रेशन है, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो लेबनीज रूल लगाएंगे। ये एल एन ऑफ 1 + sin² x³ आ जाएगा, और अब इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे करोगे तो 2 times sin x cos x आ जाएगा। नीचे यहाँ पे देखोगे तो ये e^(x-1 - x)(10x - x) एंड 1 - cos x आ जाएगा, एंड x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। और अभी अपन को लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 निकालना है। अगर इसको चेक करें तो ये क्या हो जाएगा, एल एन ऑफ 1 + sin x^6। तो ऊपर नीचे मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ sin x^6 से, यहाँ पे sin x^7 हो जाएगा। यहाँ पे फिर मैं x^7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो अब इधर x^7 और बच जाएगा अपने पास, एंड cos x है। तुम्हें पता है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर ये 1 हो जाएगा एंड ये यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ अपने पास 2 times x^7 रहेगा ऊपर। और नीचे देखें तो इधर से चेक करें तो यहाँ पे e^x का एक्सपेंशन तुम्हें पता है 1 + x + x²/2 इस तरीके से। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो सिर्फ x²/2 बचेगा, तो x³/3 इधर बचेगा, एंड सो ऑन। एंड आगे यहाँ पे देखें तो 10x का जो एक्सपेंशन है वो x - x³/3 इस तरीके से है। ओ सॉरी, x + x³/3 + 2/15 x^5 इस तरीके से है। यहाँ से अगर तुम ये माइनस का एक्स करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x³/3 + 2/15 x^5 इस तरीके से यहाँ पे तुम्हारे पास बचेगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पे तुम्हें करना है यहाँ पर 1 - cos x का, तो cos x का भी तुम्हें पता है कि क्या होता है, 1 - x²/2 + x⁴/4 इस तरीके से। 1 - cos x का हो जाएगा x²/2 - x⁴/4 एंड सो ऑन। अब यहाँ से अगर अपन देखें तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे अपन को पूछा है, तो ऊपर तो सिर्फ x^7 है, तो इसको यहाँ पे मैं डिवाइड में ले आता हूँ, और डिवाइड में ले जाने के बाद यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। इधर से 1/2 बचेगा, सिर्फ इधर मैं x² डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, इधर x³ को करता हूँ और इधर x² को करता हूँ, तो और इधर बाकी सारी टर्म 0 हो जाएगी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 लेने पर, बिकॉज उनमें x आएगा। बिकॉज यहाँ पे तुम देखोगे तो सिर्फ x² दिया तो यहाँ पे एक x बच जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे 0 हो जाएगा। इधर x³ दिया तो इधर सिर्फ 1/3 बचेगा, एंड इधर यहाँ पे x² दिया है तो सिर्फ 1/2 बचेगा, एंड बाकी सारा पार्ट उनमें 0 हो जाता। तो ये यहाँ पर 2, 1/2, 1/3 एंड 1/2 आया है। और तुम ये देखोगे तो 24 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।